अवैध रूप से बोरवेल खनन पर रीवा में हुई FIR, मऊगंज में बोरिंग मशीन जब्त की गई कार्रवाई। बता दें कि खुले बोर में गिरकर रीवा जिले के त्योथर के मनिका में बच्चे की एक मौत हो जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है। रीवा और मऊगंज कलेक्टर द्वारा बिना अनुमति बोरिंग के उत्खनन एवं प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर जहां रीवा जिले में FIR दर्ज कराई गई है, तो वहीं मऊगंज जिले में बोरिंग मशीन को ही जब्त कर लिया गया है। इन दोनों कार्रवाइयों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार रीवा और मऊगंज जिले में तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए जल प्रभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही आदेश जारी किया गया है कि जिले के जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति लिए बिना किसी तरह से बोरवेल का खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अधिकारियों को सूचना मिली कि कलागांव के मान सिंह एवं दिवाकर सिंह द्वारा बोरिंग उत्खनन कराया जा रहा है, जिस पर मौका मुआयना का सत्यापन करने के बाद गढ़ी वृत्त के नायब तहसीलदार द्वारिका प्रसाद देहात ने जने थाने में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। इसमें SDM त्योतर की ओर से भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। जने थाना की पुलिस ने पटहट कला गांव के मान सिंह एवं दिवाकर सिंह के विरुद्ध अपराध धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई मऊगंज जिले में हुई है, जहां बिना अनुमति कराई जा रही बोरिंग की सूचना पर राजस्व अमले ने कार्रवाई कर मशीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया गया कि नईगढ़ी थाना के पहरखा गांव में अवैध तरीके से बोर करवाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तहसीलदार दीपक तिवारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और बोर करवाने वाले से अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बिना अनुमति बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी छिपे बोरिंग करवाई जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन सख्ती से कदम उठा रही है।